हमें ये जो रेस्टोरेंट सॉरी होटल है काफी, ये रेस्ट हाउस हमको सस्ते में मिल गया और ये भी आ गए हैं। ये एंट्री कराने गए थे, एंट्री करा दिए। ये हम लोग को 800 में ये पड़ा है आज का नाइट स्टे, और पेमेंट मांग रहा है तो अभी हम लोग उसको पेमेंट करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, होटल के बाहर, और आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। सेम ये जो है नालंदा, नालंदा में है हम। यहाँ से करीब खंडहर यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। सामने ओयो का है हॉस्टल और ये चला जाएगा राजगीर रोड। इसी रोड पे हमने स्टे किया है होटल नालंदा सिटी। काफ़ी हम थका हुआ फील कर रहे हैं क्योंकि आज पांडु पोखर में ही हम लोग का ज़्यादा टाइम एक्सपेंड हो गया, जिसके कारण हम लोग ने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं। और यहाँ आए जब तो टिकट काउंटर बंद हो जाने के कारण तो नहीं एक्सप्लोर कर पाए। तो हम लोग ने एक चाइनीज़ टेम्पल पे गए थे, उसके बाद वहीं पर हमारा पूरी टाइम वहीं पर ख़त्म हो गई क्योंकि हम लोग शाम में टाइम चले ही थे इस कारण से। इतना सारा खा गए हम लोग, 7-750 का हम लोग खाना खाए आज। आज फॉर्म में थे, खाने में रिकॉर्ड तोड़ दिए, 2 दिन का रिकॉर्ड तोड़े हैं आज। ये था रेस्टोरेंट और इस रेस्टोरेंट की पार्किंग कुछ यहाँ पे है। हमने पार्क किया यहाँ बाइक को अपने, और एक बाइक यहाँ, एंड अब चलेंगे सीधा गेस्ट हाउस में और वहाँ अब आराम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर मिलते हैं मॉर्निंग टाइम, सी यू सून इन मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग निकल रहे हैं खंडहर की ओर, हम बाइक लेंगे यहाँ से सीधा निकल रहे हैं, मिलते हैं। नालंदा में आप सबका वेलकम, स्वागत है। ये चीज़ आप नालंदा जो विश्वविद्यालय आपने देखने के लिए जाए हैं, इसका इतिहास 413 AD मैंने 1600 पुराना है। उस समय आपका पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था। पहला शिला जो भागलपुर के पास है। नालंदा 2 शब्द का मेल से बना है, नालम प्लस दा। नालम मीन्स होता है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और ज्ञान देने वाली स्थान को नाम नालंदा रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना कुमारगुप्त, जो मगध के राजा थे, ये 5वीं शताब्दी में। दूसरे राजा हर्षवर्धन, जो कन्नौज के राजा थे। वेलकम टू नालंदा खंडहर। और हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि मैं मेन गेट पर हूँ अभी, और इसके अंदर एंटर करेंगे अभी। गाइड हम लोग हायर किए हैं अभी, और ज़्यादा भीड़ है नहीं, यहाँ बिल्कुल खाली मिल रहा है। और हम लोग जाएंगे सीधा अंदर और जितना जल्दी हो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और आप वीडियो को एक भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि हम लोग गाइड को हायर किए हैं, तो कुछ ना कुछ हमको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा सुनने और देखने को। तो वीडियो को ज़्यादा भी स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट वीडियो को देखिए। जो देख रहे हैं इसको काट के दरवाज़ा बनाया हुआ है, बेसिकली वो दरवाज़ा है नहीं, अभी तक खुदाई में दरवाज़ा नहीं मिला। और ये जो आप देख रहे हैं नालंदा के बारे में, इसमें पूरा लिखा हुआ है हिंदी में और बगल में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप पॉज करके ज़रूर पढ़ लें। तो आप देख पा रहे हैं विस्तार कितना दूर तक है। कहा जाता है कि पूरा खुदाई नहीं है, मात्र 10% ही से खुदाई हुआ है। जो फर्स्ट राजा जो कुमार गुप्त ने दबाए थे 5वीं शताब्दी में, तो फर्स्ट फ्लोर का बिल्डिंग आपके नीचे दबा हुआ है। उसमें बाय नेचर बिल्डिंग जब टूट जाता था, इसको मिट्टी से ढक करके इसके ऊपर ये 200 वर्ष बाद हर्षवर्धन ने बनाया। ये बिल्डिंग जब टूटा तो इसके ऊपर तीसरा राजा देवपाल, जो बंगाल के राजा बना है। जितने सारे जो गड्ढे टाइप पर देख रहे हैं, उसमें विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरा था। एक कमरा में एक ही विद्यार्थी रहते थे। ये दरवाजा था उसमें एंट्री करने का, और इतना मोटा जो दीवार दबा हुआ है, और इतना मोटा जो दीवार देख रहे हैं ना, उसमें आपका ये नेचुरल एयर कंडीशन, गर्मी का दिन में ठंडा, ठंडा का दिन में गर्म। तो हुए संग अपना डायरी में लिखे थे कि ऐसा ऐसा 108 पोस्टल था, 108 मंदिर, 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई में
अभी 11 हॉस्टल मिला है। जो सामने अपने बड़े बड़े जो पेड़ देख रहे हैं ना, वहीं तक इसका लास्ट खुदाई किया गया है। और ये दो हॉस्टल का बीच का ये पैसे नालंदा के नाम से भी जो नया यूनिवर्सिटी जो बन रहा है ना, ये आपका राजगीर के पास बन रहा है। दीवार की के बारे में कुछ बताइए। ईंट है और क्या बता रहा है। और नालंदा का आपका 15 जुलाई 2016 को ना ये डिक्लेयर हो गया बॉल ले रही है। उस समय जब इसकी जुड़ाई होता था ना, उस वक्त सीमेंट नहीं था, चुना सूती का दाल तेल गणेश मिट्टी ये सारे चीज को मिलाकर पहले की जुड़ाई किया जाता था। सुनेंगे तो जो मैं आपसे जो बता रहा था कि 1 किलोमीटर एरिया का जो खुदाई करके निकाला गया है ना, इसी का ये नक्शा बना हुआ। एक लाइन हो गया मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री को पाली भाषा में बिहार कहते हैं। मंदिर को चैत्यास, स्टूडेंट को मंक। ठीक है, हम लोग आकर इस स्थान से हाथ पे खड़ा हो गए हैं। ये सब सारे ध्यान करने का जगह देख रहे हैं। इसके बाद चलकर एक हॉस्टल दिखलाएंगे। दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति था, मूर्तियां म्यूजियम में रखा हुआ है। ये सब विद्यार्थियों के रहने के लिए रूम हो गया। ये दो स्टोर रूम, यहाँ पे बुद्ध मूर्ति रिफ्लेक्स लाइट करता था। ये लेक्चर से लेक्चर हॉल और एक कुआं हो गया। जैसा मैंने आपको पहला एक हॉस्टल दिखलाएंगे, एक लाइन एक जैसे 11 ये हॉस्टल हो गया। बड़ा बड़ा पेड़ दिख रहा है ना यहाँ तक। इस लाइन आपका सारा पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि हो गया। बाकी मूर्तियाँ सारा म्यूजियम में रखा हुआ है। यही सारी पुत्र स्तूप है जो नंदा का मेन तस्वीर है। जो आपने टीवी बुक इंटरनेट खोलेंगे ना, तो हर जगह इसी का फिगर आएगा। तो जो 1 किलोमीटर एरिया का जो खुदाई करके निकाला गया ना, इसी का ये नक्शा बना हुआ है, जिसके आधार से चलकर हम लोग हॉस्टल देखेंगे। ये जो आपने काट का जो देख रहे हैं ना, ये फिलहाल बाद में दिया हुआ है, व्हील चेयर के लिए डाला गया है। और इधर जो पत्थर के जो टुकड़े हैं, उसमें सारे पत्थर के ये पिलर होते थे, इसके ऊपर रूप छत था। और दोनों साइड जो मेरा टाइपर देख रहे हैं, ये दोनों साइड में भगवान बुद्ध की मूर्ति था। मूर्तियाँ खुदाई में जो टूटा है, मैंने बताया कि म्यूजियम में रखा हुआ है। विद्यार्थी जो प्रवेश करते थे इनके हॉस्टल में, पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजा कर उत्तम शरणम गच्छामि, अम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम। अंडरग्राउंड में ड्रेनिंग सिस्टम नाला हो गया उस समय का सारा सिस्टम है। नकल कहाँ से आया तो मोहनजो दो हप्पा सीमेंट का सपोर्ट ही बाद में मैंने पहले स्पिन किया, ऊपर का लेवल बाद में डाला गया। तो ये पुराना दीवार है जो जला हुआ, इसका दाग देख रहे हैं। ऊपर का दीवार है, ये मेंटेन किया हुआ डिटेली। 6 महीने तक यहाँ का जो पिक्चर चला, उस समय पेपर देखा पॉपर बुक कान पर से भोज पर 1915 से 1937 बताया। ये जितने सारे पत्थर के जो टुकड़े हैं, उसमें सारे पत्थर के ये पिलर हो गए हैं, इसके ऊपर रूप छत हो गया। रूप छत का रूप रूप माने छत छत है ना। ये जो स्थान हो गया लेक्चर स्टेज, ये लेक्चर हॉल हो गया, पूरे एरिया हॉल था। बिल्डिंग का देख रहे बना हुआ, यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति था। मूर्तियाँ भी आपका म्यूजियम में रखा हुआ। पत्थर में जो हॉल टाइप पर दिख रहे ना गड्ढे जैसा, इस पे कॉपर प्लेट और दोनों साइड जो पत्थर था, ये अबरक पत्थर जिसको बोलते हैं माइका स्टोन। सूर्य और चंद्रमा की जब इस पर किरण आती थी तो रिफ्लेक्ट मंदिर में प्रवेश करता था। ये जो दो कमरा देख रहे हैं, उस समय का ये दो कमरा स्टोर रूम था, गोदाम। इसमें से खुदाई करने के बाद 5 फीट का मक्का में जला हुआ चावल मिला है, म्यूजियम में रखा हुआ। ये कोना में कुआं हो गया पानी पीने के लिए। 50% ओरिजिनल, 50% डिपार्टमेंट के द्वारा रीमेंटेन। जैसे ये रीमेंटेन द्वार, ये सब रीमेंटेनेंस है। ये तो सामने दिखे थे दीवार, ये सब मेंटेन हुआ है। ये तो पुराना ही है बोला। हाँ, ये सब पुराना दीवार है, जहाँ पे देखेंगे पुराना है ना, जैसा लगता है कि कोई रखा हो, कोई मटेरियल नहीं। या कि खुदाई के करे में 2 लाइन मिला, तो जैसा अपने हॉस्टल देखिए, एक लाइन जाएंगे तो उसमें जैसे 11 हॉस्टल हो गया आपके 5 टाइम है ना। बिल्कुल वहीं से इस लाइन आप जाएंगे तो सारा पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि की मूर्तियाँ सब म्यूजियम रखा हुआ है। ओरिजिनल गेट लाइब्रेरी मिला नहीं है, मात्र 10% का खुदाई करके निकाला गया है। जो बाजू में सारा गांव बसा हुआ है, तो पास वाला कौन सा गांव? वो पीछे साइड से, पीछे हम लोगों का गांव इसी के अंदर में बसते हुए, जो सामने देख रहे हैं बिल्डिंग वगैरह सब उसी में है। सब उसी में है। अब जो है इसका हिस्ट्री है,
बाकी ये जो आप सामने जो धनुष का जो आकृति देख रहे हैं ना बना हुआ सीढ़ी के नीचे है ना रंगमंच, ये कुमार गुप्त का ये सिंबल है और ये असेंबली हॉल था ये कुमार गुप्त का। पुराना एडी में ये जो स्तूप है 2600 वर्ष पुराना बीसी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट जो समय भगवान बुद्ध और भगवान महावीर समय जब आए थे ना उस समय आपका यूनिवर्सिटी नहीं था, ये जो स्थान था ये काम का बगीचा था। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पे 3 चतुर्मास समय बिताए और उस समय भगवान बुद्ध ने यहाँ पे लोकल दो शिष्य बनाए, एक का नाम था सारिपुत्र दूसरा मोगलायन। तो सारिपुत्र का ये डेड बॉडी है, सारिपुत्र स्तूप हो गया बड़ा वाला जो देख रहे हैं, मोगलायन का डेड बॉडी हुआ सांची में जो मध्य प्रदेश के पास है। कौन सा डेट बताइए इसमें? ये बड़ा वाला जो देख रहे हैं ना इसके अंदर है, तो जो स्तूप देख रहे ना बड़ा वाला ये 7 बार बना था, 7 में फिलहाल अभी जमीन के नीचे आपका 4 दबा हुआ है, 3 शहीद 3 राजा का है, कुमार गुप्त हर्षवर्धन और देवपाल का। और छोटी बड़ी आकार जो टावर जैसा जो दिखाई दे रहा है इसको मनौती स्तूप बोलते हैं, मन उस समय जिस विद्यार्थियों की मन्नत पूर्ण होती थी तो स्तूप बनाते भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। तो यह स्तूप राजा अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया, इसके 1000 वर्ष के बाद तब जाकर आपका यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। ये गोल जैसा जो देख रहे हैं ना ये समाधि है, मनुष्य उस समय जो स्टूडेंट या जो टीचर मर जाते थे इनको यहीं पे जला देते थे, जलाकर इनकी जो छाई होती थी उनको देते। यहीं पे रख कर इनके ऊपर समाधि बना देते थे बैच के अनुसार, सीनियर एंड जूनियर, बड़ा का बड़ा छोटा का छोटा। तो मंदिर और समाधि बाकी मूर्तियाँ कहीं भी नहीं रखा हुआ है, जैसा हॉस्टल देखे हैं जो टिकट लिए ना तो सड़क के ठीक अपोजिट सामने म्यूजियम, सामने म्यूजियम है, म्यूजियम का टिकट 5 रुपया है। ठीक है, मेरा सब यही थैंक यू। गंदगी गंदगी फैली हुई है, यहाँ लोग आए हैं कचरा फैला के चले गए हैं, भाई आए तो कम से कम कूड़े को तो ना फैलाएं, जब सफाई नहीं कर सकते हैं तो। कितने खूबसूरत ये टेंपल रहे होंगे अपने समय में जो आज भी इतने खूबसूरत हैं, और पूरा कलाकृतियाँ मतलब पूरा पढ़ाई लिखाई का जोर यहीं पर लगा दिए हैं सब लोग अपना नाम लिख लिख के। इससे बचें भाई साहब आप लोग, क्योंकि ये राष्ट्रीय धरोहर है, इसको गंदा ना करें कृपया। तो अब हम चलेंगे नीचे और दिखाते हैं नीचे क्या क्या देखने को मिलता है। गंदगी फैला रखे हैं, क्या बताया जाए, कितना खराब दिख रहा है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये टेंपल है, मंदिर है, और पास में आ जाकर आपको दिखाते हैं। और ये ऊपर जाने का रास्ता था ये जो बंद कर दिया गया है, और मंदिर संख्या 12वां मंदिर है ये, कुछ इसके ऊपर बना हुआ है, तो ये सीन है यहाँ पे। ठीक है बाहर निकलते हैं।